हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी जहाँ पर करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं आज कुछ स्पेशल डेज हैं, जिनमें से पहला है वर्ल्ड ओशियन डेज, जो 8 जून को मनाया जाता है। फिर क्या है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इसके बारे में हम क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है ब्रेन ट्यूमर के रेफरेंस में। ब्रेन ट्यूमर है वो बनती है अननेसेसरी जब ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, जो कि हमारे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स होती हैं जो कि, और ओनली 1.4 मिलियन पेशेंट्स हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बतानी है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है वो ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था 2000 के अंदर। 2021 के अंदर इसकी 20th सेंचुरी मनाई जाएगी, जो कि आज सेलिब्रेट की जाएगी। इस डे का एम क्या था कि ट्रिब्यूट प्रोवाइड की जा सके जो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज़ को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल प्रोग्राम, प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके काफ़ी सारे डिजीज़ को, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं और स्ट्रोक है। ये आइडिया है वो हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में, अर्ली डिटेक्शन की जा सकती है और पॉसिबल होगी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे हम PMMSY बुलाते हैं इन शॉर्ट, ये स्कीम है जो ये स्कीम है ब्रिंग करती है ब्लू रेवोल्यूशन को और एड्रेस करती है जो क्रिटिकल गैप्स हैं फिशरी सेक्टर के अंदर, और रियलाइज करेगी जो ट्री पोटेंशियल है हमारे देश का उसको। ये स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री का अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। तो मैं बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों की दोनों, या फिर दोनों में से कोई। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जान लेते हैं इसके बारे में। ये स्कीम है ब्लू रेवोल्यूशन को ब्रिंग करती है और इसके अंदर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट किया जाएगा फिशरी सेक्टर के अंदर। ये स्कीम है 5 ईयर के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ये स्कीम है, इसका एम क्या रखा गया है? एड्रेस करने के लिए जो क्रिटिकल गैप है फिशरी सेक्टर के अंदर, और रियलाइज़ की जाए ट्रू पोटेंशियल और इम्प्रूव किया जा सके अवेलेबिलिटी को, सर्टिफिकेट क्वालिफाइड जो फिश की सीड है और फीड है दोनों को ही, ट्रैकेबिलिटी को, और इंक्लूड किया जा सके इफेक्टिव जो एक्वाटिक हेल्थ मैनेजमेंट है उसको भी। और इसके अंदर प्रॉमिस किया गया है क्रिएट करने का डायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इसके अंदर 15 लाख के आसपास जो इसके अंदर फिश फार्मर्स हैं, फिश वर्कर्स हैं, फिश वेंडर्स हैं, और अब और भी काफ़ी सारे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है जो फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर थ्राइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर एनहेंस करने की उनकी इनकम को भी। हमारा वैसे भी टारगेट रखा गया है जो फार्मिंग सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की, और 2022 तक का टारगेट है हमारी इनकम को डबल करने की किसानों की। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मोस्टली इसका आंसर बच्चे गलत ही करते हैं, या फिर इसका आंसर या तो डालेंगे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर या फिर एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट चेंज, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, जिसे हम NMP भी बुलाते हैं, ये इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोऑर्डिनेट करने के लिए किस किस मैटर को जो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड हैं, और सपोर्ट करने के लिए इनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को, ताकि ग्रोथ हो सके उनके ट्रेड में, एक्सपोर्ट में, और कंजर्वेशन और कल्टिवेशन के अंदर। ये बोर्ड है किसके साथ में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन शॉर्ट आयुष। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर हमें बताना है कि ईगल एक्ट 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर, ये हमें बताना है। रशिया, फ्रांस, UK, USA। हमारा आंसर है USA। सॉरी, मैप डालना भूल गई।
लेकिन आप एक बार अगर कोई भी कंट्री का नाम सुनने में आता है तो आप उसे मैप में एक बार ज़रूर देखिए और इसे इंडिया के साथ में कंपेयर करना ज़रूर ज़रूर कंपेयर कीजिए। इससे आपकी मैप प्रैक्टिस होगी और याद भी रहेगा कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। जान लेते इसके बारे में। इसके अंदर इक्वल एक्सेस, जो ईगल की फुल फॉर्म है वो क्या है, इक्वल एक्सेस ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये 2021 का एक्ट है जो अभी भी इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके अंदर, US की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर। इसके अंदर क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा जो पर कंट्री कैप लगाई है 7% की वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड के अंदर, जिसे इम्प्रूव इसे बढ़ाया जाएगा 7% से 15% तक। इसके अंदर जो इमिग्रेंट वीज़ाज हैं जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा रेज किए गए हैं, उनकी लिमिट को फैमिली स्पॉन्सर्ड जो वीज़ाज हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, और इसको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा 9 ईयर का पीरियड ताकि एलिमिनेट किया जा सके लिमिट को। अगला क्वेश्चन क्या है, इस हमें कंसिडर करना है स्टेटमेंट के किसके रिगार्ड, 301 रिपोर्ट के रिगार्डिंग। ये प्रिपेयर किया जाता है WTO के द्वारा और ये रिपोर्ट करता है, इसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट की जाती है, इसके अंदर रिपोर्ट की जाती है लिस्ट जो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड जिनके अंदर इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, वो कंट्रीज़ के अंदर लिस्टेड की जाती हैं जिसके अंदर प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि सब्जेक्टेड हैं, इसके अंदर उनके ऊपर ट्रेड सेंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इंडिया है वो इस लिस्ट के अंदर कभी नहीं गया, ये है हमारी फाइनल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिर सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये USTR के द्वारा प्रेजेंट की जाती है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। जान लेते हैं इसके बारे में। स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये प्रिपेयर की जाती है एनुअली ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR जो बोलते हैं। इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है जो ट्रेड बैरियर्स हैं यूनाइटेड स्टेट कंपनीज और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, काफ़ी सारी अलग कंट्रीज़ के अंदर पब्लिश किया जाता है। सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974 का जो USA के अंदर है उसके अंदर सॉरी ये रिपोर्ट है इंक्लूड करती है प्रायोरिटी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जज किया जाता है कि वो उनके पास है इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उन कंट्रीज़ के अंदर, उनके ऊपर सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर कंटिन्यूसली बना हुआ है क्योंकि हम माना गया है कि हमारे पास में इनएडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP राइट्स हैं प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, जो इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव है जो न्यूज़ में देखने को मिला है उसके रिगार्डिंग। हमारी पहली स्टेटमेंट है, ये इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बाय करना लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल को, और ये इनिशिएटिव है को लीड किया जा रहा है जर्मनी और कनाडा के द्वारा। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जर्मनी और कनाडा नहीं है, इंडिया और UK भी शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं IDDI इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के द्वारा और इसके अंदर ग्लोबल कोएलिशन किया जा रहा है जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करेंगे स्टिमुलेट करने के लिए जो डिमांड है लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की। इसके अंदर कोलैबोरेशन किया जा रहा है नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा और IDDI है वो काम करेगा स्टैंडर्डाइज कार्बन असेसमेंट और इसके अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा एम्बिशियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोक्योरमेंट इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट है उसको, किसके अंदर जो लो कार्बन प्रोडक्ट्स हैं डेवलप किए जाएंगे और डिज़ाइन किए जाएंगे इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस के अंदर। UNIDO इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है और IDDI है वो कोलीड कर रहा है UK, इंडिया और इसके करंट मेंबर्स हैं जो जर्मनी और कनाडा हैं। इसके अंदर इनकरेज किया जाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो खरीदें लो कार्बन स्टील और सीमेंट को और इसके अंदर सोर्सिंग की जा रही है और शेयर किया जा रहा है डेटा कॉमन स्टैंडर्ड और टारगेट्स का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या फिर एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा।
तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। देख लेते हैं इसके बारे में, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है रीबाउंड करने का 2021 के अंदर, और इसके अंदर इंक्रीज़ किया जाएगा हर साल 10%, जो कि 1.9 ट्रिलियन $ है। इसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो फ्लो करेगी किसके टुवर्ड, जो पावर है और एंड यूज सेक्टर का, और शिफ्टिंग आउट और हम शिफ्ट करेंगे इसे जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है उससे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और रिन्यूएबल पावर है वो लार्जेस्ट शेयर अराउंड है 70%, जो कि टोटल है, जो कि टोटल स्पेंड है हमारी न्यू पावर जनरेशन कैपेसिटी का। अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है रिगार्डिंग जो परमा फ्रॉस्ट होता है उससे। परमा फ्रॉस्ट है ये क्या है? ये यानी ये कोई भी ग्राउंड है जो कि कम्प्लीटली फ्रोजन रहा है, मतलब कि बर्फ़ से ढका हुआ है कम से कम 2 साल के लिए, और ये लोकेटेड है कौन से एरिया के अंदर? ये सिर्फ लोकेटेड है हाई एल्टीट्यूड आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स के अंदर है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ वहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ये हमेशा ही गलत होता है, सॉरी ज़्यादातर टाइम गलत होता है। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। परमा फ्रॉस्ट है ये कोई भी ग्राउंड है जो कम्प्लीटली फ्रोजन रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर रहा है 32 degrees Fahrenheit या फिर 0 degrees Celsius या फिर इससे भी ज़्यादा कोल्ड रहा है कम से कम 2 साल के लिए, और इसके अंदर जो कि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है उसके अंदर क्या शामिल होता है? मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन होती हैं या फिर जो हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर होता है, जैसे कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मोस्ट जो परमा फॉरेस्ट हैं वो लोकेटेड हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया के अराउंड, जैसे कि अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन है, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड एल्पाइन के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि हायर इवेल्यूएंट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि ये लोकेटेड है जो कि हमारे जो ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी पाया जाता है, कहाँ पे? माउंटेन्स की टॉप के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? जैम, जो GEM है, जो कि हमें काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है, उसके रिलेटेड है ये ऑप्शन है। ये नेशनल पोर्टल है जो फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन जो प्रोक्योरमेंट की जाएगी, जिसके अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं हमारी उसकी, और ये ऑपरेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जैम है ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंदर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की जाएगी कॉमन गुड्स और सर्विसेज की, जो कि रिक्वायर है किसके द्वारा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके द्वारा। ये ऑपरेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज का ये कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के द्वारा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल जो पब्लिक एंड सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा होगा, जिसके अंदर मैंडेटरी गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल किया जाएगा किसके ऊपर? जैम के ऊपर, जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर। और ये प्रोवाइड करवाएगा टूल, ई बिडिंग की जाएगी इसके ऊपर, और जो रिवर्स ई ऑक्शन भी करने को देखने को मिलेगा इसके ऊपर, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके गवर्नमेंट यूजर्स को, और उन ताकि वो अचीव कर पाएँ बेस्ट वैल्यू उनकी मनी की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस हमें बताना है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी NPPA, जिसे हम इन शॉर्ट बुलाते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें बताने कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1997 के अंदर, और इसके अंदर अटैच किया गया है ऑफिस को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसे हम DOP बुलाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। हमें बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, चेन्नई के अंदर नहीं है। कोविड पैंडेमिक है, उसके रिजल्ट में हमें जो काफ़ी सारी वॉलीटिलिटी देखने को मिली है मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर, MRP बुलाते हैं इन शॉर्ट, और ज़्यादातर बच्चे MRP को ही जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस की फुल फॉर्म होती है, बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किसी को पता हो। किससे रिलेटेड? जो ऑक्सीजन
कॉन्सेंट्रेटेड हैं, उस कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर्स का वो करंटली बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब कि 198% हाई हो गया, मतलब कि आप जान सकते हैं कि ये डबल है उससे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक ये स्टेप लेगी कि वो रेगुलेट कर रही है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के प्राइस को। इसके अंदर मैंडेट क्या लिया गया है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाए जाएंगे प्राइस करने के लिए, प्राइसिंग करने के लिए जो ड्रग्स हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके उनकी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। और इसके अंदर हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1997 के द्वारा। पेरेंट मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, पेरेंट मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, जिसके अंदर ऑफिस को अटैच किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का, और DPCO NPP जिसके अंदर रेगुलरली पब्लिश किया जाता है लिस्ट की जो मेडिसिन की है सेलिंग प्राइस है, उसके साथ में किसके द्वारा, DPCO के द्वारा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ये तो मैंने बता ही दिया।